सो हेलो गाइस, कैसे आई होप क्या अच्छे होंगे। तो गाइस, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले I2C लाइन के बारे में, SCL SDA लाइन के बारे में और साथ में हम पुल अप लाइन के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। अगर आप फोन की रिपेयरिंग करते हैं और आप डीप में मोबाइल रिपेयरिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप बिना स्किप के शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो से आपको काफी अच्छी नॉलेज मिलने वाली है, क्योंकि गाइज अगर आप डीप में मोबाइल रिपेयरिंग करना चाहते हैं, अच्छे से मोबाइल रिपेयरिंग करना चाहते हैं, तो I2C लाइन, SCL SDA लाइन और पुल अप लाइन के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर इन लाइनों के बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो हो सकता है कि आप अच्छी मोबाइल रिपेयरिंग ना कर पाए। इसलिए गाइज इस वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा कि इन लाइनों का क्या काम होता है, कैसे वर्क करते हैं और इनमें अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो फोन के अंदर क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ में एंड तक बने रहना। और वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने शॉप पे बैठ के फ्री में मोबाइल रिपेयरिंग सीख के पैसे कमाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि जब भी कोई वीडियो डाले तो उसका नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलता रहे। और इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी हमने काफी सारे वीडियो डाल के रखे हुए हैं, अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो उन सभी वीडियो को देख लेना, उनसे भी आपको काफी अच्छी नॉलेज मिलने वाली है और आप अपने शॉप पे बैठ के फ्री में मोबाइल रिपेयरिंग सीख के अपनी अर्निंग को डबल कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करें I2C लाइन के बारे में, साथ में हम SCL और SDA लाइन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद गाइस हम पुल अप लाइन के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। ये सभी लाइनें गाइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं फोन के सर्किट के अंदर, और इन सभी लाइनों को हम एक साथ में समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में एक साथ में समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, एक साथ में आपको ये चीजें समझ में आए। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं I2C लाइन के बारे में। I2C का मतलब है इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी किसी एक ऐसे सर्किट के अंदर की लाइन जो एक आईसी से दूसरे आईसी को आपस में कनेक्ट कर रही है, या फिर एक आईसी का डाटा दूसरे आईसी तक वो डाटा ट्रांसफर कर रही है, तो उसको गाइस हम बोलते हैं I2C लाइन, यानी इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके बारे में मैं आपको बाद में थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। पहले गाइस हम SCL यानी सीरियल क्लॉक लाइन और सीरियल डाटा लाइन के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद में ये चीज आपको अच्छे से समझ में आएगी, उसके बाद में हम पुल पढ़ेंगे जो कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए गाइस, ये हमारा CPU है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये हमारा एक CPU है और आपको यहाँ पे एक IC नजर आ रही है। ठीक है, ये एक IC है और ये एक CPU आपको। ठीक है, अब मान लीजिए ये एक CPU है, ये एक सर्किट के अंदर मेन IC है और ये सेकेंडरी IC, यानी कोई भी एक IC हो सकती है। उनके अंदर काफी सारी आईसी होती हैं जिनको कंट्रोल करने के लिए मास्टर आईसी होती है, जिसको हम बोलते हैं CPU। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा CPU है। ठीक है, अब ये जो CPU है, ये इस IC के अंदर कोई डाटा ट्रांसफर कर रहा है, इस IC को कोई काम दे रहा है कि भाई आपको ये काम करना है। ठीक है, अब ये CPU कोई डाटा ट्रांसफर करेगा, यानी कोई मतलब सिग्नल भेजेगा इस IC तक, तभी तो ये IC वर्क करेगी। इसलिए ये जो CPU है, ये एक लाइन के थ्रू यहाँ से डाटा ट्रांसफर कर रहा है, जैसे कि आपको दिखाऊं इस तरीके से एक लाइन है। ठीक है, इस तरीके से ये एक लाइन है और यहाँ पे इसने एक डाटा ट्रांसफर किया है इस लाइन के थ्रू। ठीक है, ये इसने डाटा ट्रांसफर किया है। ठीक है, अब ये CPU है, इसने कोई कोड या फिर कुछ भी हो सकता है, वो एक जो कोड है वो इसने इस IC तक सेंड कर दिया। अब ये जो CPU है, ये इस लाइन के थ्रू एक डाटा सेंड किया, इस IC को पता चला कि CPU ने मुझे कुछ बोला है, तो ये IC क्या करेगी, इसको वापिस रिप्लाई करेगी कि वो क्या करेगी, काम करेगी या फिर नहीं करेगी। ठीक है, तो ये वाली जो IC है, ये वापिस एक जो डाटा है वो सेंड करेगी, CPU को बताएगी कि ये काम करेगी या फिर नहीं करेगी। ठीक है, तो यहां से इसने डाटा वापिस सेंड किया। अब इस लाइन के थ्रू है ना, जिसने इस IC ने वापिस रिप्लाई किया, इस IC से डाटा आएगा भी और जाएगा भी, जैसे कि आप देख रहे हैं डाटा आएगा और जाएगा, लेकिन ऊपर वाली लाइन आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, इसमें सिर्फ यही काम है कि CPU ने इसको सेंड कर दिया, उसके बाद जो कम्युनिकेशन होगा ना वो इस नीचे वाली लाइन से होगा, इससे डाटा जाएगा, इससे ही आएगा। ठीक है, जब तक कि वो काम या फिर वो प्रोग्राम क्लोज ना हो तब तक। ठीक है, अब जिस लाइन से CPU ने कोड सेंड किया है उसको हम बोलते हैं SCL, SCL यानी सीरियल क्लॉक लाइन। ठीक है, यानी इससे सिर्फ डाटा जाएगा, लेकिन जिस IC से आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे हैं कि जिस IC से डाटा सेंड भी हुआ है और वापस उससे रिटर्न भी हुआ है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं SDA, SDA यानी कि सीरियल डाटा लाइन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्लॉक लाइन और डाटा लाइन का क्या काम होता है, और ये क्लॉक लाइन और डाटा लाइन का जो काम होता है और जिस लाइन से हो रहा है, जिसको हम क्लॉक, सीरियल क्लॉक या फिर सीरियल डाटा बोलते हैं, उसी को गाइस हम बोलते हैं I2C लाइन, यानी इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि I2C लाइन का वर्क क्या होता है और इसको मतलब I2C क्यों बोला जाता है।
क्योंकि गाइज आप यहाँ पे देख रहे हैं इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब है कि एक सर्किट के अंदर की लाइन जो दो आईसीओ के आपस में बात करवाती है, दो आईसीओ का कम्युनिकेशन करवाती है, दो आईसीओ को कनेक्ट करती है, उसी को गाइज हम एक लाइन को बोलते हैं सीरियल क्लॉक और एक लाइन को हम बोलते हैं सीरियल डाटा। तो ये चीज आपको अब अच्छे से समझ में आ गई होगी कि सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक क्या होता है और आई टू सी लाइन क्या होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पुलअप लाइन के बारे में कि पुलअप क्या होता है। अब देखिए गाइज ये आई टू सी जो लाइन होती है इसके ऊपर आपको कोई कंपोनेंट देखने को नहीं मिलता, लेकिन जिस बोर्ड के अंदर पुलअप दिया जाता है, जिस लाइन के ऊपर पुलअप दिया जाता है, वहां पे आपको एक कंपोनेंट या फिर दो रजिस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वहां से आप चेक कर सकते हैं कि मतलब जो लाइन है वो काम कर रही है या फिर नहीं कर रही। बाकी आपको एससीएल और एसडीए यानी सीरियल क्लॉक और डाटा या फिर आई टू सी लाइन के अंदर कंपोनेंट आपको देखने को नहीं मिलते हैं, वो इंटरनली होते हैं, सीधा डायरेक्ट आईसी से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अब देखिए आपने देखा होगा एमटीके का जो सीपीयू है, एमटीके का जो सीपीयू है उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी बनती है वो 26 मेगाहर्ट्ज़ की बनती है। कितने की बनती है? 26 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी बनती है। लेकिन वहीं अगर आप क्वालकॉम के अंदर देखेंगे तो वहां पे आपको जो फ्रीक्वेंसी नजर आएगी वो आएगी 19.2 मेगाहर्ट्ज़। ठीक है, अब दोनों में अंतर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एमटीके की जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है वो हाई है यानी 26 मेगाहर्ट्ज़ की, लेकिन वहीं क्वालकॉम के अंदर आप देखेंगे तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इतनी हाई नहीं है, वो कम है। अब गाइज कोई भी डाटा अगर ट्रांसफर हो रहा है और हाई फ्रीक्वेंसी से अगर वो ट्रांसफर होगा तो वो जल्दी ही ट्रांसफर हो जाएगा और बीच में उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, लेकिन वहीं अगर कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइन से कोई भी डाटा ट्रांसफर होगा तो वो बीच में भी रुक सकता है, क्योंकि इतना फोर्स उसके अंदर नहीं है कि वो एक आईसी से दूसरे आईसी तक डाटा पहुंचा दे। जैसे अगर मैं एमटीके की बात करूं, एमटीके के अंदर 26 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी होती है और ये सीपीयू यहाँ से कोई भी एक डाटा इस आईसी के लिए सेंड कर रहा है तो यहाँ से एक डाटा निकालेगा और वो सेंड करेगा, तो ये क्या करेगा कि तुरंत ये जो डाटा है ये इस आईसी तक पहुंच जाएगा। ठीक है, इस आईसी तक पहुंच जाएगा यानी कि सीपीयू ने कुछ भी सेंड किया वो यहाँ तक पहुंच जाएगा। लेकिन वही अगर क्वालकॉम का है, कम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से कोई भी ये सीपीयू है ये कोई भी डाटा यहाँ से अगर सेंड करेगा इस तरीके से तो वो यहाँ पे बीच में ही ऐसे चला जाए और यहाँ तक आके रुक जाएगा। अब इसको एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत है यानी ये बोल रहा है कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा फोर्स दो ताकि ये वाला जो डाटा है इसको मैं कंटिन्यू करूं और इस आईसी तक पहुंचा दूं। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आया आ गया होगा यानी एमटीके का जो सीपीयू होता है उसके अंदर हाई फ्रिक्वेंसी होती है, इसके अंदर कोई भी पुलअप नहीं किया जाता, एक्स्ट्रा पुलअप की इसकी जरूरत ही नहीं होती। लेकिन वहीं अगर क्वालकॉम का सीपीयू है और यहाँ पे 19.2 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी अगर जनरेट हो रही है तो ये बोल रहा है कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा फोर्स दो जिसकी वजह से मैं जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है उसको आगे तक पहुंचाऊं। ठीक है, इसलिए सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक की जो लाइन होती है यानी आई टू सी लाइन होता है इस पे एक पुलअप दिया जाता है। पुलअप कैसे दिया जाता है, यहाँ पे देखिए ये यहाँ से इस तरीके से एक लाइन होगी, एक रजिस्टर यहाँ पे यूज किया जाएगा और इस रजिस्टर से यहाँ से इस तरीके से होगा। ये जो रजिस्टर ये आपको 2.2K का देखने को मिलेगा, कितने का देखने को मिलेगा, 2.2K का। दोनों लाइनों के अंदर आपको इस तरीके से एक जो रजिस्टर है वो नजर आएगा और ये दोनों रजिस्टर आपस में कनेक्ट होते हैं और ये जो लाइन है इस पे दोनों पे आपको 2.2K का रजिस्टर देखने को मिलेगा और ये जो लाइन है ये 1.8 वोल्टेज यहाँ से ट्रांसफर होगा जो कि हमारी पीएमआईसी होती है, पीएमयू पावर मैनेजमेंट यूनिट, वहां से ये वोल्टेज आएगा और इस लाइन के ऊपर ये पुलअप दिया जाता है ताकि यहाँ से कोई भी डाटा इस लाइन के थ्रू मतलब सेंड हो रहा है तो वो एक्स्ट्रा फोर्स की वजह से यानी इस एक्स्ट्रा फोर्स की वजह से वो बीच में ना रुके और ये जो डाटा है ये कंटिन्यू यहाँ पे ट्रांसफर होता रहे। इसलिए अगर ये पुलअप लाइन आपको यहाँ पे नजर आ रही है, अगर इनमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, फिर रजिस्टर की वैल्यू चेंज हो जाती है या फिर ये रजिस्टर निकल जाता है, तो ऐसे में गाइस आपका जो मेन आईसी है वो आपकी सेकेंडरी आईसी से बात नहीं कर पाएगी, कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी, कनेक्शन नहीं हो पाएगा और इसलिए सर्किट के अंदर कुछ ना कुछ कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। पर्टिकुलर हर एक आईसी के अंदर आपको क्लॉक और डाटा लाइन मिल जाएगी, अगर इनमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कहीं ना कहीं सर्किट के अंदर प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। इसलिए गाइस क्वालकॉम का जो सीपीयू होता है उसके अंदर आपको 2.2K के जो रजिस्टर होते हैं पुलअप वाले, इनको आपको चेक करना चाहिए और यहाँ पे ये 1.8 वोल्टेज, ये जो 1.8 वोल्टेज यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है इसको भी आपको चेक करना चाहिए, अगर ये वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होगा तब भी यहाँ पे आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से गाइज ये जो लाइनें होती हैं यानी आई टू सी लाइन, एस सी एल, एस डी ए लाइन और पुलअप लाइन काम करती हैं, तो इनको आपको चेक करना चाहिए और ये कौन से सीपीयू के अंदर कैसे काम करती है इसमें मैंने थोड़ा आपको समझाने की कोशिश की है। तो अगर ये चीज आपको अच्छी लगी तो गाइज इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें
तो उसका नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलता रहे और आप अपने शॉप पे बैठ के फ्री में मोबाइल रिपेयरिंग सीख के पैसे कमाते रहें, अपनी अर्निंग को डबल करते रहें, और आपको एक रुपया भी नहीं देना है, आपको एक पैसा भी खर्च नहीं करना है, बिल्कुल फ्री में सीखना है, तो इस चैनल के साथ में बताइए और इस चैनल के जितने भी वीडियो उन सभी वीडियो को देखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए ताकि जो फ्री में सीखना चाहते हैं वो सीख पाए। आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।